होती है। लेकिन पिछले हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो शायद अफरीदी की बात करें, मिसबा की बात करें, तो उन्होंने कप्तानी को बोला कि ये कोई कांटों का सेज है बेसिकली, ये इतनी आसान बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो इतनी बड़ी जो चैलेंज आपको फेस करने वाले हो आगे, तो आपको ये कांटे चुभने शुरू हो गए कि बस अब अभी तक आपका हनीमून पीरियड चल रहा है? नहीं सर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं, आपने हनीमून पे भेज दिया मुझे। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है अभी, और मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। और पहले भी पीसीबी ने मुझे वाइस कप्तान बनाया था, तो उस पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी जो T20 में मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया, और देखें ऐसा कुछ नहीं है, टीम जब आपको सपोर्ट करती है, कप्तान को सपोर्ट करती होगी, तो मेरे ख्याल से आपको ये कांटे नहीं लगेंगे, फूल ही लगेंगे। बाबर, अभी 5 साल आपकी करियर पे हुए हैं, तो माशाल्लाह आपकी जो मुवाजना है वो विराट कोहली से किया जाने लगा है। लोग बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम की क्लास विराट कोहली से बेहतर है। इस चीज़ का आप पर ज़ाती तौर पर कोई प्रेशर होता है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं? दूसरा ये कि एक हमारे एक दोस्त साबिक क्रिकेटर, उनका ये कहना है कि बाबर आजम को अब मजीद ग्रूमिंग के लिए अपनी जो अंग्रेजी है वो भी बेहतर करनी चाहिए, तो क्या ये चीज़ें आपके जहन में है इस हवाले से? देखें पहली बात तो जो ये कंपैरिजन किया जा रहा है, मेरे ख्याल से अब ना ही किया जाए अच्छा है। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है, मैं हर बार ही कहता हूँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम को जितवाऊँ अपनी परफॉर्मेंस से। और बाकी चीज़ ये है कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कोई गोरा या ऐसा चीज़ नहीं हूँ कि मैं अंग्रेज़ी, हाँ सात साल तो चल रही है, लेकिन वो टाइम बाय टाइम आपको सीखते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एकदम तो नहीं चीज़ें आ जाती, वो टाइम बाय टाइम आप चीज़ें सीखते हैं। कि वनडे क्रिकेट में जो है ना हमारे क्या मसाइल हैं, वो अभी तक बाबर आजम ने कोई नोट किए हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर वो मसाइल है तो उनको किस तरह एड्रेस करेंगे, और कौन से मसाइल उनके जहन में है? कि सर मसाइल मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। हमारी स्ट्रेंथ देखें, बॉलिंग भी है और बैटिंग भी है, तो कभी जब हम लैग करते हैं तो बैटिंग में करते हैं तो बॉलिंग साथ देती है, बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग साथ देती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक करना चाहूँगा कि दोनों जो चीज़ें हैं ना हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो, बैटिंग भी परफॉर्म करे और बॉलिंग भी परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल से मैं मेरा यही होगा कि मैं जितना लड़कों को कॉन्फिडेंस दूँ, जितना उनको बैक करूँ उतना अच्छा। अमूमन जब टीमें खेलती है अपने होम ग्राउंड में तो एडवांटेज होता है क्राउड का, आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम जाती है तो क्राउड ग्राउंड में नहीं होगा तो दोनों टीमों के लिए कंडीशंस एक जैसी होंगे, इंग्लैंड को जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप फर्स्ट क्लास में और डोमेस्टिक में बॉलिंग किया करते थे, और हमारे माजी के दो कप्तान शुएब मलिक और हफीज अपनी बैटिंग और कप्तानी के साथ बॉलिंग भी करते रहे, तो क्या आप भी इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहोगे ताकि एक एडेड वैल्यू और आ जाए? हम अपने क्राउड को अपने होम ग्राउंड में इतना इन्जॉय किया है, जब बाहर जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से दोनों टीमों के लिए एक 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 ही चीज़ होगी। और देखें जी मैंने पहले भी बोला था, जब क्राउड नहीं होगा, चेयर अप नहीं होगी और खाली स्टेडियम होंगे, तो वो चीज़ आपको ऐसा ही लगेगा जैसे फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे हैं। आप इंटेंट वही रखेंगे, एफर्ट उतनी ही लगाएंगे, लेकिन वो एक कह सकते हैं ना मज़ा नहीं आएगा, जिसपे आप फैंस को खुश कर सकते हैं, जब फैंस आपको चेयर अप करते हैं, जब आपको बैक करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ काफ़ी मिस होगी। और बॉलिंग का देखें, बॉलिंग अभी मेरे ख्याल से बैटिंग पे ही मैं फोकस करना चाहूँगा, बॉलिंग का मेरा थोड़ा सा इशू था और चक मारता था मैं थोड़ा सा, तो वो मेरे से ठीक नहीं हो रहा। और कोशिश कर रहा हूँ ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह जब ठीक होगा तो